नमस्ते। फाइन, टाइम 9:20 हो रहा है, मार्केट बुलिश है, अभी ऊपर जाना चाहिए। मेरे पास जो स्टॉक है, रिलायंस है, एक्सिस बैंक, ये दोनों में एक ट्रेड करके ये बुलिश दिख रहा है मार्केट। हुआ मतलब एक्सिस बैंक एंड रिलायंस ऊपर जाना चाहिए। अगर ट्रेंड कंफर्मेशन होते ही हम इसमें एक एंट्री बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो एवरीथिंग इज सेट, हाँ देखेंगे। तो कैपिटल अभी जो है 75,000 है, 73,000 है अभी अकाउंट में। तो इसी के साथ 1,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में ट्रेड को एग्जिट करेंगे। अगर लॉस हो गया तो 1,000 रुपीज़ जाएगा, अगर प्रॉफिट आएगा मिनिमम 4,000 आना चाहिए। तो 1,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में हम ट्रेड एग्जिट करूँगा। मैं लाइव ट्रेडिंग आपको करके दिखाता हूँ, दिस इज़ फॉर ओनली फॉर योर एजुकेशन। ओके, बाद में ये जो जो करता हूँ उसको सारे में आई हैव अपलोडेड इन द बेसिक वीडियोस। दैट इज़ जस्ट अ बेसिक वीडियोस, डोंट टेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन दोज वीडियोस और नॉलेज। ओके, वट एवर आई डू इज जस्ट फॉर लर्निंग। मार्केट में जो करना है वो आई हैव अपलोडेड इन द बेसिक वीडियोस, लर्निंग वीडियोस बोल के है प्ले लिस्ट में, उसमें देख के उसमें जाके देखना। ओके, चलो अभी रिलायंस में एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिया है इसने। ओके, ये अभी इधर से ये ऊपर जाना चाहिए। अगर ट्रेंड कंफर्मेशन होते ही हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एक्सिस बैंक में भी अभी ट्रेंड कंफर्मेशन होते ही इसमें और रिलायंस में एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। चलो, एक्सिस बैंक में मैं एंट्री कर दिया 911.75 से। ये ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया तो ये ऊपर जाना चाहिए अभी। कुछ सी आई एंटर्ड एट 911.75। इसका जो स्टॉप लॉस है 909 पे है, 90 पे, मतलब 1,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तो एक्सिस बैंक अगर आप देखते हो तो ये हायर आई स्ट्रक्चर था। ये इसका इम्पोर्टेंट कैंडल है। ओके, ये इसका इम्पोर्टेंट कैंडल है। इधर से इधर आते ही इसने इधर से ऊपर गया, वो स्ट्रांग ओपनिंग था, कल का हाई को ब्रेक किया, बाद में हायर हाई करना चाहिए था, नहीं है, नीचे आ रहा था। कल इधर से नीचे आया था। ओके, इधर से नीचे आया था। तो अगर ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके बाद ये इंट्राडे का नया लो बनना चाहिए। इसने इधर हायर हाई करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है ये इधर से उड़ेगा ये अभी। तो दिस इज़ द एंट्री, इफ द लो 911.75, ये इसका एंट्री है 911.75। अगर आप देखते हो 911, वेर इज़ द एंट्री, 911.75 पे मेरा एंट्री हो गया है। 1,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 2.35 का स्टॉप लॉस है। तो कैप्टा स्टॉप लॉस ऑफ 1,000, तो 909 पे है स्टॉप लॉस। अभी ये ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो देखो मतलब ये स्टॉप लॉस होता है विद ट्रेंड कंफर्मेशन, विद एवरीथिंग वी हैव टेकन दिस ट्रेड। बाद में और एक ट्रेड था रिलायंस, अभी ये ऊपर जाना चाहिए लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो अभी वेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक्सिस बैंक में मिला तो मैं इसमें ट्रेड ले लिया। ओके, चलो अपडेट करता हूँ, होल्ड ऑन। चलो, रिलायंस में भी ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया। 2476 है इसका बाई होगा, 2476 है इसका बाई होगा। एक्सिस बैंक क्या हो रहा है? ओके, ये तो मूव होना चाहिए रिलायंस। ओके, कितना फंड्स बचा है भाई? क्या 568 बचा है? एक क्वांटिटी ले सकता हूँ क्या? ओके, रिलायंस को 76 से बाई करना है। रिलायंस जो है, सॉरी, इसका जो व्हाट इज़ द लो, सेवेंटी सेवन पे लगाएंगे लिमिट ऑर्डर। 77 पे एक क्वांटिटी को लिमिट ऑर्डर में मैं इसको करके दिखाऊंगा। ओके, ओके, फाइन। रिलायंस में भी ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, तो एक क्वांटिटी को मैं एग्जीक्यूट 77 पे रखा हूँ, तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर प्राइस नहीं मिला उधर, हम देखेंगे किधर मिल सकता है। ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೈ ಇದು ನಾನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ। ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇದು 1,000 ರುಪೀಸು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಟ್ರೇಡ್। ನೀವು ಅದ್ರ ಫಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಒಂದು 5,000 ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ಸರ್। ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ 400 ಇತ್ತಲ್ಲ,
ಹೌದಾ? ಇರಲಿ ಇರಲಿ. ಇದೇನಲ್ಲ 74, ಇದು 74, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ 78, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಓ ಇದೇನಿದೆ ಹೈ 78.7. चलो अगर 77 पे नहीं मिला, ये जो हाई है रेड कैंडल का जो हाई है 78.7, उधर से बाई होगा 78.4, उधर से बाई होगा. अगर ये कैंडल का क्लोज देखेंगे, उसका बाहर अगर क्लोज दिया, अगर ये कैंडल के बाहर मतलब ग्रीन के बाहर क्लोज दिया, तो मेरा एंट्री होगा ये रेड कैंडल का हाई से. ओके 77 पे आना चाहिए. अगर मान लो अभी 5 मिनट्स में इसका क्लोजिंग ये ग्रीन कैंडल के बाहर हुआ, तो एंट्री होगा ये रेड कैंडल का हाई से 78.7. मॉडिफाई करूँगा, सिर्फ एक क्वांटिटी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए. 77 पे रखा हो ना, उसको सिर्फ आपको दिखाने. एंट्री कैसे करते हैं, सब एक्यूरेट एंट्री होना चाहिए. 77 पे इसका एक्यूरेट एंट्री है. अगर उधर नहीं मिला 78.4 से, किधर है 78.4 से, शायद इसके अंदर क्लोज हो रहा है. अपने 77 पे आएगा, इधर से एंट्री है. अभी तक का जो लो है दैट इज़ द स्टॉप लॉस. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹೈಯರ್ ಐ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಕೈ ಹೈಯರ್ ಐ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 77 ಬೈ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೈಯಿಂದ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ 77.05. ಅರೆ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. टाइम तो गलत. ओके चलो, इसने एक कैंडल ने क्या किया है, मतलब ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोज दिया है. इसका मतलब है 77 पे इसका एंट्री होगा. कितने भी ऊपर जाने दो, 77 पे आएगा ये, उधर से एंट्री होगा. उधर ऑर्डर पेंडिंग है, एक क्वांटिटी सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए, एंट्री दिखाने के लिए इसको कर रहा हूँ. अरे क्या है क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी होना चाहिए ना भाई, ये 398. ओके रिलायंस का जो एंट्री होगा ये रेड ग्रीन रेड कैंडल का हाई है, इसका हाई है 78.7. हाँ, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा 78.9 रख दो भाई. ओके उधर से ओ हमारा पोजीशन ले लेगा, नो प्रॉब्लम. ओके इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो ऑफलाइन ट्रेनी है उसके साथ में बैठा हूँ, तो उसके उसके पास जो बात हो रहा है वो सारे रिकॉर्ड हो रहा है. चलो नो प्रॉब्लम,
चलो इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया रिलायंस का कितना में 78.90 पे इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ये तो ऊपर उड़ना चाहिए, अभी इसका स्टॉप लॉस है, मतलब यू कैन कीप ए स्टॉप लॉस हियर, नो प्रॉब्लम। द स्टॉप लॉस इज डेज लो 73.29, 73 रखेंगे। ओके द स्टॉप लॉस इज 73 इज द स्टॉप लॉस। ओके रिलायंस में स्टॉप लॉस है 73। स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दिया हूँ मैं इधर, अगर आप देखते हो तो 70 किधर है, वेर इज़ द रिलायंस ऑर्डर। ओके 73 पे इज द ऑर्डर, इसमें 909 का स्टॉप लॉस है। ओके हमारे पास 315 तक टाइम है, मतलब ये किधर जाना चाहिए। ओके टारगेट क्या है, व्हाट इज़ द टारगेट, इसमें 502 का टारगेट है रिलायंस में। ओके एक्सिस बैंक में जो टारगेट है पहला टारगेट है 974.78, उधर मॉनिटर करना पड़ेगा। उधर मॉनिटर होने के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलता है उसको हम बुक करेंगे। ओके ये वीडियो अपडेट कर लेता हूँ भाई, ये स्टॉप लॉस तो मिल गया। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉप लॉस किधर रखना है। ओके अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो कितना जाता है, 1000 रुपीज़ जाता है, जाने दो, नो प्रॉब्लम। हाँ हमारे पास और भी स्टॉक्स है, मतलब टाइमिंग है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। हाँ तो देखेंगे। ओके स्टॉप लॉस इज प्लेस्ड, टारगेट इज 24.75। ओके वो उसका 25 होना चाहिए उसका टारगेट, उस तक जाएगा। ये मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आता है उसको बुक करेंगे। ओके चलो हिंडल्को में भी बाई होना चाहिए, मार्केट भी बाई होना चाहिए, मैं जो बताया। तो अब ये उठेगा, हाँ ये हाई ब्रेक कर देगा। ओके चलो भाई मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, देख लो क्या होता है, कितना मिलता है इसको। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। चलो चलो मैं फिर एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस तो 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ जाना चाहिए अगर गया तो, मतलब एवरीथिंग इट्स ए विनिंग ट्रेड सेटअप, ये ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाएगा। अगर गया तो हमारा हमारा जो स्टॉप लॉस है मतलब 1000 रुपीज़ का है इधर है, नो प्रॉब्लम। और भी ट्रेड्स मिलता उसमें करेंगे, उसको कवर कर देंगे। ओके नो प्रॉब्लम, ये ऊपर जाना चाहिए रिलायंस में, देखो एग्जैक्ट वही लेवल से ऊपर हाँ जा रहा है। ओके चलो ओके ओके चलो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, देखेंगे मार्केट किधर तक जा सकता है। अभी टेंशन नहीं है, कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं है। ओके